परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने वर्चुअल बैठक की। बन्ना गुप्ता ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में कार्यक्रम को झारखंड में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए भारत सरकार से अपेक्षित सहयोग की मांग करते हुए कहा कि झारखंड के पूरे 62 लाख परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए झारखंड के हर जिले में जिला कोऑर्डिनेटर के पद स्वीकृत हों और मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड को विशेष प्रचार प्रसार की सामग्री भी उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। वीडियो संवाद स्थापित किया है और एक बड़े गंभीर विषय को लेकर उन्होंने बात उठाई है, जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न उपायों पर कैसे करके हम आगे बढ़ें, और हमने उनको राज्य से संबंधित कई चीज़ों के बारे में उनको बताया भी है। हमने ये भी बताया कि देश के अनुपात में हमारे झारखंड का शिशु मृत्यु दर जो है वो 2014 में प्रति हजार में 35 था, वो अब घटकर वो 25 हो गया है, और जो मातृ मृत्यु दर था वो प्रत्येक लाख में 165 था, जो अब घटकर 56 पे आ गया है। तो ये हमारी उपलब्धि है। फिर जो संस्थागत प्रसव है वो भी हम लोगों ने बढ़ाए हैं। परिवार नियोजन में भी हम 23.1% आगे बढ़े हैं, और लगातार हमारा ये प्रयास है। लेकिन हमने उनसे ये भी निवेदन किया है, वीडियो संवाद स्थापित किया है, और एक बड़े गंभीर विषय को लेकर उन्होंने बात उठाई है।